बचपन की तस्वीरें शेयर करके इमोशनल हुई कंगना रनौत। कहा, बचपन में पैसे बचाकर कैमरा खरीदा था, जहां जाती थी पोज करके तस्वीरें क्लिक कराती थी। फिल्म इमरजेंसी को लेकर सुर्खियों में बनी हुई कंगना रनौत ने हाल ही में अपनी बचपन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो पोज देती हुई नजर आई हैं। बचपन की खास झलक दिखाते हुए कंगना ने बताया कि उन्होंने थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर बचपन में कैमरा लिया था और वो मौका मिलते ही अपनी तस्वीरें क्लिक करवाने लगती थी। कंगना ने अपनी एक तस्वीर के साथ लिखा है, जब भी मैं पुरानी तस्वीरें देखती हूँ मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाती हूँ। मैं बहुत फनी बच्ची थी। मैंने अपनी सेविंग से एक छोटा सा कैमरा खरीदा था और मैं हमेशा अपनी तस्वीरें क्लिक करवाती रहती थी। जब भी पापा हमें बाहर लेकर जाते थे तब भले ही वो एक मिनट के लिए कार रुके, लेकिन मैं तुरंत कार से उतरकर पोज देने लगती थी। दूसरी तस्वीर के साथ कंगना ने लिखा, जब भी मुझे पढ़ने को कहा जाता था मैं कमरा बंद करके खुद को ऐसा बनाती थी और पोज करती थी। अगली तस्वीर में कंगना लिखती हैं, जब भी मुझे किचन गार्डन से सब्जियां लाने को कहा जाता था मैं उन बेचारे पौधों को प्रॉप की तरह इस्तेमाल करती थी और पोज करती थी। प्लीज मेरे पीछे खड़े गांव के बच्चों का एक्सप्रेशन देखना ना भूलें। एक तस्वीर में कंगना ने लिखा है, जाहिर है कि मेरे अंदर का डायरेक्टर हमेशा मिरर के रिफ्लेक्शन से अट्रैक्ट हो रहा है। ये कितना अच्छा पोज है। वैसे बताते चले, कंगना रनौत के छोटे भाई अक्षत का हाल ही में बर्थडे था और कंगना ने सबसे पहले अपने भाई के साथ बचपन की तस्वीरें शेयर की और साथ ही उन्होंने बताया कि उनकी दादी ने मंदिर में उनसे भाई मांगने को कहा था। इस पर कंगना ने लिखा, जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरी दादी मुझे मंदिर लेकर गई थी। उन्होंने मेरे हाथ जोड़े और कान में आकर कहा, मांगो माता से भैया मांगो। भले ही मुझे उस समय भैया का मतलब नहीं पता था, लेकिन मैंने आंखें बंद की और पूरे दिल से दुआ की, शुक्र है भाई है। हैप्पी बर्थडे अक्षर रनौत।